पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक पर्सन 5 लेवल लैंड में सुयांग और उसके साथियों को परेशान करने की कोशिश करता है, जो देखते ही लुओ और डोंगमी उस पर अटैक कर देते हैं, पर वह पर्सन किसी तरह उन दोनों के ही अटैक से बच जाता है। और अब वह वहां से जाते हुए बोलता है कि वह जल्द ही उन लोगों से वापस मिलने के लिए आएगा। अब हमें उस सेक्ट को दिखाया जाता है जिस सेक्ट के तीनों एल्डर अभी भी गियोन सेक्ट के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब उस सेक्ट का मेन हेड ओल्ड मैन यांग अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए यह पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर गियोन सेक्ट किस जगह पर मौजूद है। और अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करने के बाद वह अपने ट्रेजर की मदद से एक छोटा सा पोर्टल खोलता है, जिस पोर्टल से उन लोगों को 5 लेवल लैंड दिखाई देता है। और अब यह देखते ही उसके सभी साथी उसे चीयर करते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर यांग थोड़ी और पावर का यूज कीजिए। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने ट्रेजर द्वारा बनाए गए पोर्टल को खोलने की कोशिश करता है। तभी उन लोगों को वही पर्सन दिखाई देता है जिस पर्सन ने सुयांग और उसके साथियों पर अटैक करने की कोशिश की थी। और अब उस ओल्ड मैन का ट्रेजर वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वह ओल्ड मैन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और अब वह ओल्ड मैन खुद को संभालते हुए अपने साथी को बताता है कि मैंने सभी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करी, पर मुझे बस यहाँ पर यही पता चला है कि हम जिन लोगों को ढूंढ रहे हैं वह 5th लेवल लैंड में मौजूद है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चला। तो हमें जितना लग रहा है वह पर्सन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। दूसरी ओर 5 लेवल लैंड में हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने सुयांग और उसके साथियों पर अटैक किया था। वह चलते हुए कहीं जा रहा होता है, वहीं पर डोंगमी और लुओ के अटैक की वजह से उस पर्सन की हालत खराब हो चुकी होती है, और वह वहां पर मुश्किल से ही जिंदा होता है। और लुओ के लाइटनिंग अटैक से उसके बॉडी के अंदर मौजूद सभी मैट्रिडियंस की हालत खराब हो चुकी होती है। और अब वह पर्सन चलते हुए एक एग के पास आकर बैठता है और उस एग से बोलता है, जल्दी यहाँ पर उठ जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इसी तरह सोते रहे तो जल्द ही मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी वह एग काफी तेजी से ग्लो करने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे उस पर्सन की बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है। और अब वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, यहाँ पर तुम्हारे खाना खाने का भी टाइम हो गया है। तभी वह एग वहाँ पर ग्लो होने लगता है, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारे 5 लेवल लैंड में एक नया सेक्ट आया है। मैं कुछ मॉन्स्टर्स को अपने साथ लेकर उन सेक्ट के लोगों को हेलो बोलने गया था, पर वहां पर काफी सारे अजीब स्पिरिचुअल प्लांट मौजूद थे जो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह दिख रहे थे। वह मेरे सभी मॉन्स्टर्स को उस जगह पर खा गए। और तो और उस सेक्ट के सभी मास्टर्स भी बहुत ही ज्यादा अजीब थे। तभी वह एग वहां पर ब्लू ग्लो करने लगता है, जो देखते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि वह सभी लोग इमॉर्टल रैलम से यहाँ पर आए हैं, और आज से पहले मैंने हजारों 1st लेवल इमॉर्टल्स को मारा है, वह लोग उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही वह एग दोबारा से ग्लो होता है, और अब यह देखते ही वह पर्सन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि वह सभी लोग सुपीरियर इमॉर्टल है, तब तो हमें यहाँ पर गेम खेलने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वहां पर दो लोग आते हुए बोलते हैं, फाइनली हमें इस जगह पर कोई मिल ही गया। और अब एक पर्सन काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करता है। उसी वक्त जमीन के अंदर से कई सारे रूट्स निकलकर बाहर आते हैं, और वह उस पर्सन की बॉडी को छेदते हुए उसे वहीं पर फ्रीज कर देते हैं, जो देखकर उस पर्सन के साथी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एग के पास खड़ा पर्सन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि 5th लेवल लैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तुम यहाँ पर इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकते हो। तभी दूसरा पर्सन गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर दोबारा से कई सारी स्पिरिचुअल रूट्स बाहर निकलकर उस पर्सन को भी मार देती है। पर मरने से पहले वह पर्सन काफी तेजी से चिल्लाता है, जिससे वहीं पर आसपास मौजूद उसके साथी उसकी आवाज को सुनकर उस ओर काफी तेजी से आने लगते हैं। और अब वह लोग उस जगह पर पहुंचकर देखते हैं तो उनके दोनों साथी मारे जा चुके होते हैं। तभी वहां पर खड़ा वह पर्सन बोलता है, क्या तुम बेवकूफों को किसी ने बताया नहीं कि 5th लेवल लैंड नॉर्मल डिसाइपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
यहाँ पर बस पावरफुल लोग ही सरवाइव कर सकते हैं, पर तुम बेवकूफ लोगों ने यहाँ पर आकर मेरा काम आसान कर दिया। अब यह सुनते ही सभी लोग काफी तेजी से वहां पर टूबिंग फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हैं। अब टूबिंग फॉर्मेशन को देखते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, यह फॉर्मेशन मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद कंपस लाइफ और डेथ के 50-50 चांसेस देता है। साथ ही साथ ही यह फॉर्मेशन तुम्हें तुम्हारे ओपोनेंट से प्रोटेक्ट करता है, और तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर जितना खतरनाक अटैक करता है, यह फॉर्मेशन तुम्हारे ओपोनेंट पर भी उतना ही पावरफुल काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से यह फॉर्मेशन एक परफेक्ट फॉर्मेशन माना जाता है। यह सुनते ही उन सभी लोगों का हेड बोलता है, आखिर तुम्हें इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? यह फॉर्मेशन तो मेरे चेंगसुआंग पवेलियन का एक सीक्रेट है। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ पता है, और तो और मैं तुम्हारे पवेलियन के बारे में वह बात भी जानता हूँ जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता होगा। और उसी वक्त कई सारे स्पिरिचुअल रूट जमीन के अंदर से निकलते हैं और उन सभी टूबिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें एक्टिवेट करने वाले लोगों को भी मार देते हैं, जो देखकर उनका हेड काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वह पर्सन बोलता है, रेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक कैलकुलेशन टेक्निक को माना जाता है, और जिसने भी अपनी कैलकुलेशन टेक्निक को मास्टर कर लिया, वह पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जान सकता है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। पर तुम जैसे कमजोर लोग उसे कभी भी मास्टर नहीं कर सकते हो। और अब एक स्पिरिचुअल रूट काफी तेजी से उन पर्सन के हेड की भी ओर आगे बढ़ता है और उसे भी मार देता है, जिसके बाद वह स्पिरिचुअल रूट उन सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उस एग के अंदर पहुंचा देता है। और अब उस एग के अंदर से एक आवाज आती है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो क्या इतना खाना खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाना लेकर आता हूँ। अब हमें गियोन सेक्ट के दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो जंगल में स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि हमने आज कई सारे पावरफुल स्पिरिचुअल हर्ब्स को जमा किया है, जिन्हें देखकर मास्टर यून और नियर बहुत ही ज्यादा खुश होने वाली है। और तो और गियोन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अगर फिफ्थ लेवल लैंड में मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स का यूज करते हुए कल्टीवेशन करें, तो उनका सेक्ट जल्द ही फोर्थ लेवल सेक्ट बन जाएगा। तभी पीछे से कोई काफी तेजी से अटैक करते हुए एक डिसाइपल को वहां पर जान से मार देता है, तो देखते ही गियोन सेक्ट का दूसरा डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उस जगह पर एक पर्सन अपने कुछ साथियों के साथ आता है। अब उस पर्सन की पावर को देखकर गियोन सेक्ट के डिसाइपल की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, और वह खुद को संभालते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर हमारे सेक्ट के डिसाइपल को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब तुम्हें हमारे सेक्ट के रूलर से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा मामूली सा गियोन सेक्ट मेरे लिंगी सेक्ट का सामना कर सकता है? अब यह सुनते ही गियोन सेक्ट का डिसाइपल अपने पास मौजूद एक स्मोक स्क्रीन से काफी तेजी से उन पर्सन पर अटैक करता है, और वहां पर चारों ओर धुआं फैलाकर काफी तेजी से अपनी बनाई गई जगह की ओर भागने लगता है। देखते ही वह सभी लोग उस पर्सन का पीछा करने लगते हैं, और अब एक पर्सन काफी तेजी से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करता है, जिससे गियोन सेक्ट का डिसाइपल उड़ते हुए सीधा जाकर नियर के पैरों के पास गिरता है। अब उस पर्सन को देखते ही नियर बोलती है, तुम यहाँ पर काफी जल्दी वापस आ गए। अभी नियर उस पर्सन को घायल देखकर परेशान हो जाती है और उसे उठाते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें किसने घायल किया? उसी वक्त लिंगिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल वहां पर पहुंचते हुए बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गियोन सेक्ट जैसा कमजोर सेक्ट फिफ्थ लेवल लैंड में पहुंच जाएगा। अब उस पर्सन को देखते ही नियर गुस्से में बोलती है, आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स को हर्ट करने की? अब यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम और तुम्हारे सेक्ट के सभी लोग अभी यहाँ पर मरने वाले हैं, इसके बावजूद तुम इस तरह की बातें कर रही हो। शायद से तुम्हें यहाँ पर किसी ने सिखाया नहीं कि अपने से अपर सेक्ट के लोगों से किस तरह बात किया जाता है। और यह बोलते हुए वह एक पर्सन को नियर पर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। यह सुनते ही एक मास्क मैन नियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक से उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है, और अब वह अपने लीडर को ही थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर उसका लीडर बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यह सुनते ही वह मास्क मैन बोलता है, मास्टर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया,
और तभी उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब सुयांग अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, तो क्या अभी भी तुम यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो? तो सुनते ही वह पर्सन बोलता है, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, यह सब अभी तुमने किया है। और अब यह सुनते ही उस पर्सन के सभी साथी डरकर वहां से भागने लगते हैं। तभी सुयांग चुटकी बजाकर उन सभी लोगों को वहां पर फ्रीज कर देता है और अब धीरे धीरे उन सभी लोगों की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यह देखकर उन सभी लोगों का लीडर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी है, और अगर तुमने अभी यहाँ पर मुझे मार दिया तो मेरा बदला लेने के लिए कई सारे पावरफुल लोग यहाँ पर आएंगे जिनके हाथों तुम बच नहीं पाओगे। यह सुनते ही सुयांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वह उस पर्सन की आंखों में देखते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा बदला लेने के लिए यहाँ पर कितने लोग आएंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।